हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं संदीप शर्मा और आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिक्स इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की टू केसेज में कैपेसिटी के फॉर्मूले डेराइव कर चुके हैं। आज का अपना थर्ड केस है जिसमें अपन ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में आपका जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल किया है, पर वो कैसे फिल किया गया है? पार्शियली फिल किया गया है। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है आपके पास? पहले वो मीनिंग समझो कि जैसे अगर अपन ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लें जिसकी ये फर्स्ट प्लेट P1 है और ये अपने पास उसकी सेकंड प्लेट है वो P2 है आपके पास, और इन दोनों के बीच की ये जो टोटल डिस्टेंस है वो अपन ने डी कंसिडर कर ली। इस प्लेट का एरिया है वो भी ए कंसीडर कर लिया, इस प्लेट का एरिया भी ए कंसीडर कर लिया। तो आप कह सकते हो ए एरिया ऑफ प्लेट्स, ऐसे ही कह सकते हो डी डी आपके पास है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ऐसे ही अगर अपन कहें तो इसको अपन ने क्या दिया? प्लस क्यू चार्ज दिया, तो इस पे आपका कैसा चार्ज आ गया? माइनस क्यू चार्ज आ गया। तो आप कह सकते हो क्यू चार्ज ऑन प्लेट्स, यानी कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उन पे चार्ज कितना है क्यू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जानते हो कि अगर क्यू चार्ज ए एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी तो प्लस सिग्मा मिलेगी और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको माइनस सिग्मा मिलेगी। तो आपके पास सिग्मा है वो हो गई सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप क्या लिख सकते हो? क्यू अपॉन में ए लिख सकते हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? अब आपको ये कहा गया है कि इन प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल किया गया है, तो ये अपने को इस स्लैब ली किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की, और इस स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अपन ने कंसीडर कर लिया एप्सिलॉन आर है, और टी इसकी क्या है? थिकनेस। तो यहाँ पे आपका एप्सिलॉन आर है वो तो है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम, और टी है वो आपके पास है थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस या डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोल दिया। तो बच्चों, ये तो आपके पास जो फिगर में जो जो क्वांटिटी अपने पास प्रेजेंट है उन क्वांटिटीज का मीनिंग हो गया कि आपके पास ए क्या है, डी क्या है, क्यू क्या है, सिग्मा क्या है। यहां तक तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर अपन देखें तो जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर में आपको दो तरीके के सबसे जगह मिल रही है, एक तो वैक्यूम है और एक क्या आपके पास मीडियम। तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम, यानी कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो वैक्यूम पार्ट है उस वैक्यूम पार्ट में आपका ई लिख दिया, और इस ई को अपन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अपन जानते हैं कि वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ऐसे आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन मीडियम, और मीडियम का अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो आप उसको ई एम से लिख दो, और ई एम आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया दोनों का। अब दोनों का निकाल लिया था, आप लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
और उसको अपन थर्ड केस में निकाल रहे हैं, तो वी थर्ड लिख दिया, और ये वी थर्ड अपन लिख सकते हैं वी वन प्लस वी टू, यानी कि आपके पास, चलो वैसे लिख देते हैं कि आपके पास एक तो वैक्यूम है, तो वी वैक्यूम प्लस वी मीडियम। बच्चों इस लाइन को अच्छे से समझ लेना आप, इस लाइन में आपके पास क्या है कि अपन ने देखा कैपेसिटर का जो बीच का स्पेस है उसमें आपके पास क्या क्या है, इसमें आपके पास मीडियम प्लस वैक्यूम, यानी कि ये वाला जो केस आया है इस केस में मीडियम भी प्रेजेंट है और वैक्यूम भी प्रेजेंट है। तो आपने इनके बीच का पोटेंशियल लिखा कि वैक्यूम का पोटेंशियल प्लस मीडियम का पोटेंशियल। अब यहां से आप V थर्ड इक्वल टू वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड E और वैक्यूम की डिस्टेंस D माइनस T, कैसे कैलकुलेट की बच्चों, मीडियम कितने में है T में, टोटल डिस्टेंस कितनी है D, तो वैक्यूम कितने में बच जाएगा D माइनस T। ध्यान रखना ये डिस्टेंस ऑफ वैक्यूम है, ऐसे ही आपके पास मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड EM और थिकनेस आपके पास कितनी हो गई T। बच्चों प्रीवियस क्लास में मैं आपको पोटेंशियल निकालने का मेथड बता चुका हूं कि पोटेंशियल निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका है उसी की डिस्टेंस यूज में लेंगे, तो आपके पास वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वैक्यूम की डिस्टेंस, मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मीडियम की डिस्टेंस। अब आप देखोगे तो ये तो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू डी। अब बच्चे बोलेंगे सर यहां से आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, तो ये आपके पास डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में एप्सिलॉन आर आ गया। अब देखो बच्चों यहां से क्यू इज इक्वल टू आप लिख सकते हो सिग्मा ए और यहां से वी थर्ड आ गया। अब आप क्या करोगे, अब बोल सकते हो बाई फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सी इक्वल टू क्यू अपॉन में भी पढ़ाया गया आपको, यहां आपका थर्ड केस है तो यहां की थर्ड कैपेसिटी लिख दी सी थर्ड और यहां पोटेंशियल लिख दिया वी थर्ड। बच्चों ये जो आपका थर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड केस को रिप्रेजेंट करेगा, सी किसको रिप्रेजेंट करेगा कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां से सी थर्ड निकल कर आया क्योंकि वैल्यू अपन ने सिग्मा ए लिया, यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में एप्सिलॉन आर, सिग्मा से सिग्मा तो कट गया और यहां से सी थर्ड आपके पास निकल कर आया ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में एप्सिलॉन आर। तो आपका अगर पार्शियली फील्ड कोई पैरेलल कैपेसिटर हो जिसमें अपन पार्शियली कोई डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस फील्ड करते हैं तो उसकी कैपेसिटी है वो निकल कर आती है ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। क्या किया बच्चों, आपने पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म किया जिसमें आपने ये कोई स्लेब रखी, ये स्लेब आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, यानी डाइलेक्ट्रिक्स बोल दो। इस डाइलेक्ट्रिक्स में आपने क्या किया कि इसकी जो थिकनेस है वो दोनों के बीच की डिस्टेंस डी से कम ली है। अब आपने इसमें कौन सी क्वांटिटी का क्या मीनिंग है वो आपने एक्सप्लेन किया, तो आपने कहा ए एरिया है, क्यू चार्ज है, टी थिकनेस है, सिग्मा आपका चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब अपन ने देखा कि दो तरीके के स्पेस, एक तो मीडियम और एक वैक्यूम, तो आपने पहले वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया फिर आपने मीडियम का लिख दिया। अब अपने पास दो स्पेस हैं तो दो पोटेंशियल मिलेंगे, टोटल पोटेंशियल दोनों का सम कर दिया। अब सम कर दिया तो आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, वैल्यू पुट करके सोल्व किया तो ये आया।
अब क्यू की वैल्यू चाहिए, वी की वैल्यू चाहिए, दोनों पुट कर दी, दोनों पुट कर दी तो आपके पास ये निकल कर आया। अब आपके पास यहां एक केस बनता है, या नोट बोल दो, और नोट है इफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो किसका है, कंडक्टर का है। यानी आप कहो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कंडक्टर से रिप्लेस करो, तो उस टाइम पे आपका एप्साइलन आर है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट हो जाएगा तो उस टाइम पे सी थर्ड है वो ए एप्साइलन नोट डी माइनस टी लिख सकते हो, और साइड में आप लिख सकते हो कि टी अपॉन में इनफाइनाइट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो बच्चों आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पार्शियली अगर कोई कंडक्टिंग प्लेट रख दी जाएगी तो उस टाइम पे कैपेसिटी निकल कर आएगी ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों को, यहां तक क्लियर है? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों अपना लास्ट केस आता है फोर्थ केस, और फोर्थ केस में अपन ने क्या किया है कि आपको कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। कब है? जब अपन ये जो बीच का स्पेस होता है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, यानी कि ये आपके पास फर्स्ट प्लेट P1 है, ये आपकी सेकंड प्लेट V2 है, और इन दोनों प्लेट के बीच का ये जो स्पेस है टोटल स्पेस, ये टोटल स्पेस आपके पास d है। अब आपको ये बोला गया है कि इन प्लेट्स के बीच में अपन डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स यूज में ले रहे हैं डिफरेंट थिकनेस के। अब जैसे आपको ये जो रेड कलर में ये क्रॉस लाइन से दिख रहा है, ये आपका फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर वन है और इसकी थिकनेस है वो टी वन है। ऐसे ही आपके पास सेकंड है एप्सिलॉन आर टू और इसकी थिकनेस कितनी है टी टू। ये आपके पास थर्ड है एप्सिलॉन आर थ्री, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और इसकी थिकनेस टी थ्री है। ऐसे ही है लास्ट आपका जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर एन है और इसकी थिकनेस है वो टी एन मान ली, और बाकी का ये जो स्पेस है इस स्पेस में आपका क्या प्रेजेंट है, एयर या वैक्यूम प्रेजेंट है। तब आपके पास ये जो सिचुएशन आई है वो कैसी सिचुएशन आई है, ये सिचुएशन आई है वैक्यूम प्लस मीडियम, और मीडियम भी क्या है, डिफरेंट मीडियम है आपके पास। अब डिफरेंट मीडियम है तो अगर आप अपन लिखें तो वी फोर्थ केस का वी क्या है, वी आपका है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे V प्लस V1 प्लस V2 डॉट डॉट Vn। अब बच्चे पूछेंगे कि सर ये क्या आपने लिख दिया, ये V क्या है, V1 क्या है, मैं तो पता ही नहीं। तो आप लिख सकते हो V, V का मीनिंग है पोटेंशियल इन वैक्यूम। यानी कि आपने ये कहा है कि सर अभी अपन ने जो केस कंसीडर किया है इस केस में हमारे पास कुछ पोर्शन में तो वैक्यूम है, कुछ पोर्शन में आपके पास मीडियम है जो डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैं और डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस के हैं। तो अपन ने लिख दिया वी वैक्यूम का है, और वैक्यूम का है तो आप लिखोगे ई किसका, वैक्यूम का इनटू डिस्टेंस, ये तो गिवन ही नहीं है,
तो आप कहो कि मीडियम कितने में प्रेजेंट है, टोटल थिकनेस ऑफ मीडियम, टोटल थिकनेस ऑफ मीडियम टी वन प्लस टी टू प्लस टी एन है और टोटल डिस्टेंस कितनी डी है। तो आप कह सकते हो कि जो वैक्यूम आएगा वो आ गया आपका डी माइनस टी वन प्लस टी टू टी एन। समझ गए बच्चों कि टोटल डिस्टेंस डी है, उसमें आपका इतने में मीडियम है तो वैक्यूम इतने में आ गया। तो अपन यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी माइनस टी वन प्लस टी टू डॉट डॉट टी एन, ये क्या आ गया आपका वैक्यूम का पोटेंशियल आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया आपका डी माइनस टी वन प्लस टी टू डॉट डॉट टी एन। किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। ऐसे ही बोले बच्चों v1 आपका पोटेंशियल इन फर्स्ट मीडियम, और पोटेंशियल इन फर्स्ट मीडियम या फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक में अगर निकालेंगे तो आपका e1 into t1, e1 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और t1 इसकी थिकनेस है। तो आप लिख सकते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r1 और थिकनेस लिख दी t1। अभी अपन ने पढ़ा है कि मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r होता है, यहाँ r1 है तो r1 लिख दिया, थिकनेस t1 है। ऐसे ही बच्चों सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो v2 हो गया आपके पास e2 into t2, जिसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट t2 अपॉन एप्सिलॉन r2 लिख सकते हैं। ऐसे ही आपका vn आ गया en into tn, और यहां से निकल कर आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टी एन अपॉन में एप्सिलॉन आर एन। क्लियर है बच्चों, क्या किया आपने, आपने कहा कि सर कैपेसिटी निकालने के लिए हमें इनके बीच का पोटेंशियल चाहिएगा, और पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास यहाँ टोटल पोटेंशियल एक तो वैक्यूम का है और एक मीडियम का। तो अपन ने ये लिखा, इसमें अपन ने देखा v1 v2 vn v की वैल्यू ये आई, ये सब वैल्यू यहां पुट करते हैं तो आपके पास v4th कंडीशन का जो निकल कर आता है वो निकल कर आता। देखो बच्चों सब में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ रहा, देखो तो मैंने सब में से कॉमन ले लिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से आया डी माइनस t1 प्लस t2 प्लस tn और प्लस यहां से आया t1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस t2 अपॉन में एप्सिलॉन r2 प्लस डॉट डॉट tn अपॉन में एप्सिलॉन rn। क्या किया देखो बच्चों, इन सबको ऐड किया, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये तो फर्स्ट दे दो, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे ये एंथ इक्वेशन है। इन सभी से आपने v1 v2 v3 vn इन सब की वैल्यू कैलकुलेट की, और ये वैल्यू कैलकुलेट करके आपने इस इक्वेशन में पुट किया। तो देखा सब में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो वो बाहर रख दिया, ये डी माइनस टी वन प्लस टी एन ऐसा का ऐसा लिख दिया, यहां से टी वन अपॉन एप्सिलॉन r1, यहां से टी टू अपॉन एप्सिलॉन r2। अब देखो बच्चों एक तो ये लो और एक ये लो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है। तो देखो आप इसको कैसे थोड़ा सा अरेंज कर सकते हो, v4th इज इक्वल टू
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, यहां से डी माइनस आ गया आपके पास। अब इन दोनों में अगर अपन टी वन कॉमन लिया तो ये माइनस का तो हो गया प्लस यानी वन, और यहां से आपके पास आ गया माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर वन। ढंग से समझ लेना बच्चों, देखो एक तो माइनस टी वन है और यहां से आपका प्लस टी वन अपॉन एप्सिलॉन आर वन है। इन दोनों में से मैं माइनस टी वन कॉमन लूंगा तो यहाँ तो वन बचेगा, ये माइनस प्लस माइनस हो गया और यहां से वन अपॉन एप्सिलॉन आर वन हो गया। ऐसे ही आप टी टू कॉमन लोगे तब देखो बच्चों पहली चीज आ गई समझ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस टी टू वन माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर टू, ऐसे ही आपका माइनस टी एन वन माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर एन आ गया, वी फोर आ गया। आप क्या जानते हो, सी इक्वल टू क्यू अपॉन में वी, और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो सी फोर इक्वल टू क्यू अपॉन में वी फोर लिख सकते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों वहां जगह नहीं है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का ताकि मैं ये क्लियर कर दूं, तो आपको यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, ले लो एक बार जल्दी से। तब अगर आप इसको क्लियर करते हो तो क्लियर करने पर अपन को ये पता चला कि सर C4 इक्वल टू Q की जगह तो सिग्मा A आ जाएगा। अपॉन में V4, और V4 आपके पास यहां से देखोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी वन वन माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर वन प्लस सॉरी माइनस टी टू वन माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर टू माइनस डॉट डॉट टी एन वन माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर एन। अब देखो सिग्मा से सिग्मा तो कट गया और आपके पास फोर्थ केस का जो C4 निकल कर आया वो निकल कर आया A अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 वन माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर वन माइनस T2 वन माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर टू डो माइनस टी एन वन माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर एन। तो बच्चों ये आपका फोर्थ केस की कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला हो गया, जब आपके पास पैरेलल प्लेट की प्लेट्स के बीच में अपन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम रख दें जिनकी आपके पास डायलेक्ट और थिकनेस है वो टी वन टी टू टी एन हो, और आपके पास उनका डायलेक्टिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर वन एप्सिलॉन आर टू एप्सिलॉन आर एन हो। तो क्या किया बच्चों आपने, आपने सबसे पहले पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल किनका सबका अलग अलग निकाल लिया, और सबका अलग अलग निकालने के बाद में टोटल सम किया, टोटल सम करने के बाद में उससे क्यूब को डिवाइड किया, सॉल्व करने पे ये कैपेसिटी आ गई। तो बच्चों मैंने आपको चारों केसेस की कैपेसिटी करा दी है और उनको निकालने के सिंपल मेथड भी सिखा दिए मैंने कि आप उनको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो आपके पास। तो ये है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले कैपेसिटी के बच्चों। तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी के साथ साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर एंड लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूले। थैंक यू। आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।